आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल ऑल हेल्दी टिप्स में। अगर आपके हाथों में झंझनाहट हो रही है, पैर में भी अकारण से झंझनाहट हो रही है, आप एक जगह पे बैठ जाते हैं काफ़ी देर तक, तो फिर उठने में परेशानी होती है। ज़्यादातर ये ठंडे के मौसम में होता है। बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कोई भी चीज़ भूलने लग जाना, ठीक से याद नहीं रहना, और साथ ही साथ पेट से जुड़ी कई समस्याएं, जैसे खाना ठीक से नहीं पचना, गैस का बन जाना, अकारण ही एसिडिटी होने लगना, और अंगों में रूखापन और जकड़न जैसा महसूस हो रहा है, और सुई जैसा चुभने जैसा दर्द भी हो रहा है हड्डियों में, साथ ही साथ हड्डियों में ढीलापन होने लगा है। ये किसी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा उम्र में हो सकता है, ये किसी उम्र में भी हो रहा हो। अंगों का ठंडा हो जाना, सुन्न हो जाना, साथ ही साथ कब्ज हो जाना, नाखून का पतला होना, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, तो ये सारे शिकायतों का एक बड़ा ही अच्छा और आजमाया हुआ नुस्खा आज मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपको अगर नसों से जुड़ी भी बीमारियाँ हों, यानी नस का खींचना, हाथ में खींचना, पैर में खींचना, नस का कहीं भी खींचना शरीर में, या फिर हड्डियों का खिसक जाना, अब कमज़ोर महसूस करना, कुछ भी खा रहे हैं शरीर को नहीं लग रही है, तो ये सारा वात दोष की वजह से भी होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके तलवे में चींटियां काट रही हूँ। तो ये सारे के लिए आज मैं एक बहुत ही असरदार नुस्खा शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। इससे आपकी सारी समस्याएं तो दूर हो ही जाएंगी, साथ ही साथ अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, मतलब जल्दी से नींद आने लगेगी। दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हम डालेंगे गाय का दूध। गाय का दूध ही आपको लेना है और कोई दूसरा दूध आपको नहीं लेना है, क्योंकि गाय का दूध बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। ये ऐसा आयुर्वेद में भी माना गया है। गर्म दूध के साथ हमें इसे थोड़ा सा और गर्म कर लेना है, और अगर इसके साथ हम हल्दी का सेवन करें तो वात दोष से संबंधित कई विकारों से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्म दूध का सेवन करने से वात के बढ़ने के कारण अधिक नींद आने की समस्या से राहत मिलती है। वहीं हल्दी वात, पित्त और कफ के संतुलन को भी बनाए रखता है, यानी अगर जिनको बच्चों को अगर कफ हो गया है तो भी आप इसमें हल्दी मिलाकर दे सकते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज जो नुस्खा बताऊंगी वो बहुत ही असरदार है। तो इसमें हमने डाला है सौंफ। तो दूध में पहले सौंफ मिला लें, और यहाँ पे देखिए हमने केला लिया है पका हुआ। तो पका हुआ केला हमें नहीं मिलाना है, हमें केले का छिलका मिलाना है। केले का छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो केले के फल में नहीं पाया जाता लेकिन उसके छिलके में होता है, लेकिन हमें पता ना होने के कारण हम इसे अकारण ही फेंक देते हैं, और ये हमारे शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है, दर्द से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है। तो हम दूध गर्म करके उसमें सौंफ मिलाए हैं, साथ ही साथ हमने इसमें डाल दिया है केले का छिलका। केले का छिलका मिलाने के बाद, जैसा कि हमने बताया, हल्दी बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया हमने यहाँ पे। तो माना जाता है कि, और ऐसा हमने आजमाया है अपने घर में, कि ऐसा डाल के अगर आप इसे उबाल के रोज़ ही अगर आप इसे सुबह पियेंगे दोस्तों, तो आपको जितनी भी समस्याएँ हैं वात रोग से जुड़ी हुई, या फिर पेट से जुड़ी हुई, नींद नहीं आने की समस्या, सारा कुछ इससे आप निजात मिलेगा। तो इसे आपको रोज़ सोने से पहले, आपको आधा घंटा पहले इसे ले लेना है, सोने के आधा घंटा पहले आपको इसे अवश्य ही लेना है। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। अपना ख्याल रखें।